ओके, तो शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं महाराष्ट्र सेट के मैकेनिक्स क्वेश्चन। ये आपका सीएसआईआर नेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रिपीटेड कैसे, मैं क्वेश्चन आपको पहले डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। ये देखिए 2012 जून में सीएसआईआर नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है, इस क्वेश्चन में जो पहले इन्होंने पूछा था हैमिल्टनियन, इन्होंने क्या दिया था, PQ - Q² ओके। और जो महाराष्ट्र स्टेट में सेम क्वेश्चन रिपीट किया है, इसमें इन्होंने क्या दिया है, एच इज इक्वल टू पी क्यू। तो हम 73 देख लेते हैं, एंड देन आपका एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, आप वीडियो वापस पीछे करके और इस क्वेश्चन को कर लेना। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इसमें हमें एक रिजल्ट में रिकॉल करवा देना चाह रहा हूं इससे पहले। रिजल्ट क्या है कि अगर किसी डायनेमिकल सिस्टम का हमें हैमिल्टनियन दिया हो, तो उसके लिए पी और क्यू में रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है, उनका कैनोनिकल इक्वेशन हमने मेंशन किया हुआ है, तो आप यहाँ से इस रिजल्ट को याद कर सकते हैं, बहुत ही यूजफुल रिजल्ट है। ओके, तो अब हम इस रिजल्ट को अप्लाई करके अपना प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कि कैसे हमारा प्रॉब्लम सोल्व होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हमें एच दिया हुआ है, तो एच हो गया आपका पी क्यू, तो हमारा पी डॉट क्या हो जाएगा, पी डॉट हो जाएगा माइनस टाइम्स डेल एच अपन में डेल क्यू। ओके, और यहां से आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो गया, इसका पार्शियल डेरिवेटिव क्यू के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पी हो जाएगा, दैट इज पी डॉट प्लस पी इक्वल टू जीरो। ओके, तो सिंप्लीफाई करने पे क्या दे देगा हमें, आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जानते होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में ओडी में हम लोग कैसे सोल्व करते थे, तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, पी इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर माइनस टी। ओके, हिंट दे दे रहा हूँ, हिंट हमारा क्या था, आपको याद हो तो वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू जीरो को हम लोग कैसे सोल्व करते थे, वाई डैश अपन में इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस वाई, फिर अपन में लाएंगे तो वाई हो जाएगा एंड इधर वन हो जाएगा। ठीक है, और इसको सोल्व इंटीग्रेट करने पे क्या आता था, लॉग वाई इक्वल टू माइनस टी प्लस सी हो जाएगा, और इस टाइप से आता तो वाई इक्वल टू ई के पावर हो जाता, तो वही हमारे यहाँ से आ गया पी इक्वल टू ई के पावर माइनस टी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हो गया क्यू डॉट, तो क्यू डॉट क्या हो जाएगा, डेल एच अपन में डेल पी, और ए डेल एच स्मॉल पी है, डेल एच अपन में डेल पी, डेल एच अपन में डेल पी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आपका क्यू हो जाएगा। तो यहां से मिलेगा एक रिलेशन क्यू माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा ई के पावर टी। ओके, तब क्यू इक्वल टू हो गया, तब देखिए आपके पास दोनों ही आ गया, पी इक्वल टू हो गया ई के पावर माइनस टी एंड क्यू इक्वल टू हो गया ई के पावर प्लस टी, एंड आपको क्लियरली यहाँ पे देख रहा होगा कि टी टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो पी कहाँ पे जाएगा, जीरो पे जाएगा, एंड क्यू कहाँ पे जाएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा। तो देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो रहा है, पी गोज टू जीरो, पी क्यू गोज टू इन्फिनिटी, अतः बी एंड डी डिस्कार्डेड, एंड पी जीरो पे जा रहा है, अतः आपका ऑप्शन ए ट्रू हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 73 मैंने करवा दिया, आपका होमवर्क क्या रहेगा, एसीएसआईआर नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लेगा होमवर्क है। इसमें भी आपको पी निकालना है, पी डॉट आपका क्या हो जाएगा, डेल एच अपन में डेल माइनस टाइम्स डेल क्यू, एंड क्यू डॉट क्या हो जाएगा, डेल एच अपन में डेल पी। ठीक है, आप सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या हमारे ग्रुप में बता सकते हैं। ठीक है, बाद में इसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू।